ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद गुम है किसी के प्यार में आयशा सिंह को मिला था मौका। आयशा सिंह ने गुम है किसी के प्यार में अपने किरदार को लेकर किया बड़ा खुलासा। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में टीवी के सबसे चर्चित शोज में से एक है, जिसकी टीआरपी भी अच्छी खासी रहती है। दरअसल शो में जनरेशन लीप दिखाया गया है, जिसके बाद तीन मुख्य किरदार शो से बाहर हो गए हैं और अब शो में नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से टीआरपी में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है सई के किरदार में नजर आने वाली। और आयशा सिंह ने अब ये खुलासा किया है कि उन्हें ये शो किसी और शो के लिए रिजेक्टेड ऑडिशन की वजह से मिला था। दरअसल गुम है किसी के प्यार में के लिए चुने जाने से पहले आयशा सिंह ने छोटी सरदारनी के लिए ऑडिशन दिया था और उस ऑडिशन में वो रिजेक्ट हो गई थी, जहां निमृत कौर आहलूवालिया को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन प्रोडक्शन वालों के पास उनकी वो टेप रह गई थी और जब गुम है किसी के प्यार में को बनाने की बारी मेकर्स की आई, तब मेकर्स ने उन सारे टेप को खंगाला, जिसमें उन्हें आयशा सिंह का रिजेक्टेड ऑडिशन भी मिला और उन्होंने फिर आयशा सिंह को गुम है किसी के प्यार में का न्योता दिया, जिसके लिए फिर उनका ऑडिशन लिया गया और इस तरह से उन्हें गुम है किसी के प्यार में सीरियल हासिल हुआ था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही गुम में इस समय सही के किरदार में आयशा नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्होंने सीरियल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी अपने फैंस के साथ साझा की है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।